नमस्ते। कोरोना वायरस आजकल पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं और रोकथाम के भी जो तरीके हैं उनमें बहुत अड़चनें आती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जुगाड़ पे चल रही है। हर एक देश के डॉक्टर्स अपने मरीजों को अपने हिसाब से दवाई दे रहे हैं। संसाधनों के अभाव में अमेरिका के डॉक्टर्स एक वेंटिलेटर पे 2 पेशेंट्स को रख रहे हैं। इंडिया के इंजीनियर्स सिर्फ जरूरी चीजों को इंस्टॉल करके ऐसे चीप वेंटिलेटर्स बना रहे हैं जो कि सिर्फ कोरोना पेशेंट्स के काम आए। इसी बीच हम ऐसे उदाहरण भी देख रहे हैं जिसमें लोग या तो डर के कारण या अज्ञानता के कारण डॉक्टर्स के ऊपर भी पथराव कर रहे हैं। इस समय हमारे लिए उन डॉक्टर्स की जान बहुत कीमती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम फ्रंट लाइन पे ऐसे डॉक्टर्स भेजें जिनकी डिग्री में MBBS ना हो। इस बात को समझाने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हर किसी का योगदान समाज में अद्वितीय है और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में आदरणीय भी है, लेकिन इस वक्त की मांग यही है कि हम अपनी कमान मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को सौंप दें। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं तो एक गाइड, और अगर आप तैरना सीख रहे हैं तो एक लाइफगार्ड बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को ही प्रेशराइज कर सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस समय वॉलंटियर बन के इस समस्या को बहुत कम कर सकते हैं, और मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो अलग अलग फील्ड से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि वेटनरी, फार्मास्यूटिकल्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, जियोलॉजी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अपना पॉइंट रखने से पहले मैं इतना बता देना चाहूँगा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था मास्क लगाना उनके लिए ही जरूरी है जिनको कि इन्फेक्शन है, लेकिन पाया ये गया कि जिनको इन्फेक्शन है वही मास्क नहीं लगा रहे और जिनको नहीं है वो मास्क लगा रहे हैं, तो ऐसा लॉ बनाना पड़ा कि सभी को मास्क लगाना जरूरी है। इसमें मेडिकल फील्ड से ज्यादा कानून की जानकारी रखने वाले लोगों ने ज्यादा सहयोग दिया। निश्चित तौर पे समाज को बनाने के लिए हर वर्ग की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी मैं इस समय मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की ही सिफारिश करूंगा। आरोग्य सेतु ऐप में भी या तो प्रॉपर डॉक्टर्स या दवाई सप्लाई के लिए ही लोग मांगे गए हैं। इसके अलावा अगर कोई वॉलंटियर करता है तो या तो वो डिलीवरी बॉय या सफाई कर्मचारी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें इन विषम परिस्थितियों में कामयाब होना है तो समाज के पोटेंशियल को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना होगा। जिससे भी पूछे वो यही बताता है कि लोग समझ नहीं रहे। ऐसे में मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिकल से जुड़े लोगों का पोटेंशियल वेस्ट ना करें। आप इस बात को तो मानेंगे कि हम इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानते हैं और रोज कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है। अब एक नज़र उन लोगों पर डालते हैं जो इन अपडेट्स को आम जनता तक ले जा रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हैं, इसलिए केवल 10% अपडेट ही वो हो पाते हैं और आगे का 10% टोटल अपडेट का 1% बन के रह जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पुलिस वालों की और आंगनवाड़ी से जुड़े हुए कर्मचारियों की। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ पुलिस वालों का जिक्र करना चाहूँगा। उनके लिए लॉकडाउन में सड़कें खाली कराना और किसी मिनिस्टर के लिए सड़कें खाली कराने में कोई फर्क नहीं है। क्यों ना हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ऐसे समझाएं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को समझें। वैसे तो मैं अपनी पुलिस फोर्स को सलाम करता हूँ कि वो मौत के मुँह में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये बात भी समझनी होगी कि फूलों की बारिश करना और फूलों का हार पहनना भी उतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जितना कि किसी पर थूकना। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल प्रोफेशन से मिले हुए वॉलंटियर्स हमें हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। ऐसे वॉलंटियर्स लाखों करोड़ों में हैं, तो कितना अच्छा होगा कि लोग अपने पड़ोस के लोगों से बात समझेंगे तो कोई तोड़ फोड़ और कोई पत्थरबाजी भी नहीं होगी। ये वॉलंटियर्स किसी पढ़े लिखे डॉक्टर्स के सुपरविजन में ग्रुप बना के काम कर सकते हैं। बात बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन ये छोटी सी बात उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि सोशल डिस्टेंसिंग और 20 सेकंड तक हाथ धोना। हम लोग दूसरे देशों की हुई गलतियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम भी समाज को कुछ नया दें। आज हमारा देश एक दो राह पे खड़ा है जहाँ से हम या तो कामयाबी की ओर जाएंगे या फिर हम उस दिशा में जाएंगे जहाँ से लोग हमसे सबक लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
नमस्ते।